जगत है कोई कार्य ध्यान के बिना उसमें सफलता नहीं मिलती। जैसे रेल की पटरी क्रॉस कर रहे हैं, अगर ध्यान नहीं हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं। लेद मशीन पे काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा, हाथ पैर कट सकते हैं। एग्जाम में पेपर दे रहे हैं, ध्यान नहीं तो क्या होगा, हर पन्ने पे बड़ा अंडा मिलेगा, है कि नहीं। इसलिए आचार्य बताते हैं कि भौतिक जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ध्यान दिए बिना उसमें सफलता मिलेगी। तो भक्तों ठाकुर कहते हैं, तो जो कार्य हमें भौतिक जगत से बाहर निकालकर आध्यात्मिक जगत में ले जा सकता है वो है श्रवण कीर्तन, उसमें कितना ध्यान देना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक जगत में हमारा दुर्भाग्य जन्म ले सकता है। ऐसे तो भक्ति क्या है, शुभदा है, मंगलमय है, लेकिन जीवात्मा भक्ति में आने के बाद ध्यान नहीं देता तो उसकी दुर्भाग्य की शुरुआत हो सकती है। अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इन अटेंशन, क्या बताए, अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इन अटेंशन। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है भक्तिवेन ठाकुर जी का। क्योंकि शुरुआत में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते तो आगे जाकर बहुत बड़ी बन सकती है। इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे हिमालय के सामने खड़े और चोटी की तरफ देख रहे और चोटी से एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा नीचे आ रहा है, तो आप कहेंगे इतना सा छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसके सामने खड़े रहेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आते समय नीचे अपने पर क्या जमा करते आएगा, बर्फ जमा करते, और इतना बड़ा पहाड़ बनेगा वो, उसके नीचे आप दफनाए जा सकते। तो शुरुआत में जो छोटी चीज थी वो बड़ी बनती है, इसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे प्रभु जी के धोती में छोटा सा छेद है लेकिन प्रभु जी ने ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, तो क्या होगा, एक हफ्ते के बाद वो छेद इतना बड़ा होगा प्रभु जी उसके अंदर से आर पार हो सकते हैं। एक नाव है, नाव पानी में तैरती कि नहीं, पानी के ऊपर तैरते, क्यों, क्योंकि पानी बाहर है इसलिए नाव तैर रही, लेकिन वही पानी अगर अंदर आएगा तो क्या होगा, नाव को डुबा सकता है। ऐसे मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर नाव के समान है, ये आपको फिर से भव सागर में डुबा सकता है अगर ध्यान नहीं दोगे। इसलिए अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, वाटर आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट, पानी जो बाहर है नाव के वो नाव को तैराता है, लेकिन वही पानी अगर अंदर आएगा, कैसे आएगा अंदर, ध्यान नहीं दिया, नाव में छोटा सा छेद था, हमने सोचा क्या ये छेद मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन पानी का करंट, पानी का प्रभाव इतना तेज है, समय के साथ वो छेद क्या बनेगा, इतना बढ़ेगा कि टाइटैनिक को भी डुबा सकता है, इतनी ताकत है। इसलिए शुरुआत में ध्यान देना चाहिए। स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइन। या गर्भवती स्त्री है, और जब गर्भवती होती है तो पहले दिन पहले हफ्ते पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद वो कितना भी अपना पेट छुपाने का प्रयास करे छुपा नहीं सकती। ऐसे अनर्थ और अपराध बढ़ते जाते हैं अगर साधक शुरुआत में क्या नहीं रखेगा, ध्यान नहीं देगा। इसलिए अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इन अटेंशन। अब इन अटेंशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है, इन अटेंशन का मतलब क्या है, इस शब्द में अर्थ बताया गया है। इन अटेंशन का मतलब क्या है, इन अ टेंशन, क्या मतलब है, इन अ, हमेशा टेंशन में रहोगे आप भक्ति में आने के बाद भी, जबकि भक्त को चिंता नहीं होनी चाहिए, भक्त अशांत नहीं होना चाहिए। शास्त्र ने बताया जो भक्ति नहीं करते जप नहीं करते वो अशांत होते, भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्णदास बिंदास्त मायादास हमेशा उदास। इसका कारण क्या है, ध्यान न देना, ध्यान न देने के कारण। इसलिए ध्यान देने का मतलब है वर्तमान में रहना। अरे वर्तमान तय करेगा अकला शरीर क्या होगा, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम, 8.6 भगवद्गीता। तो इसलिए आज हम विस्तारित रूप में चर्चा करेंगे जो भी हमारे पास समय है। तो ध्यानपूर्वक जप करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्तमान
वर्तमान में रहकर हम सही भावना से भगवान की खुशी के लिए, और ये कहां बताया 10.10 तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से, तब बुद्धि जागृत होगी मनुष्य जीवन में। बुद्धि के तीन कार्य होते हैं, इसको इंग्लिश में 3D कहते हैं। क्या कहते हैं? डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डोसा, डी अल्फाबेट। तो पहली डी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि। ये फर्क करते हैं मनुष्य में और जानवर में। कौन फर्क करता है? ये विवेक बुद्धि। अगर इस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करें तो हम जानवर के समान है। यू आर नो बेटर देन एन एनिमल इफ यू आर नॉट यूजिंग योर डिस्क्रिमिनेशन पावर, गॉड गिवन डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन जब यूज करते हैं तो अगली डी जन्म लेती है, उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। व्यवसायत्मिक बुद्धि एक है कुरुनंदना तस्माद एक न मनसा भगवान सात्व दंपति। तो पहली डी यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन तो अगली डी को जन्म देती है डिटर्मिनेशन, और जब दूसरी डी यूज करते हैं डिटर्मिनेशन यूज करते हैं मनुष्य जीवन में तो तीसरी डी जन्म लेती है, उसको कहते हैं डी फॉर डिसीजन। और मनुष्य जीवन में हम निर्णय ले सकते हैं, कुत्ता बिल्ली निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए ये बुद्धि का फर्क है। डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू डिसीजन। इसलिए ये कभी संभव है जब तीव्रता से, सातत्य से, प्रेम से, वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारेंगे। इसलिए 10.10 जो जीवन में उतारेगा उसको भक्ति में कितने मार्क मिलेंगे? 10 out of 10। कितना बढ़िया श्लोक नंबर है, देखिए भगवान ने चुन के दिया नंबर 10.10। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, तब बुद्धि जागृत होगी मनुष्य जीवन में, फर्क कर पाएंगे, दृढ़ता को प्राप्त कर पाएंगे, और इसी जन्म में मुझे घर लौटना है ये निर्णय ले पाएंगे। तो हमने क्या बताया? सिर्फ हमारे पास जो कहने लायक है हमारा वो क्या है? दो चीज, वर्तमान और क्या बताया हमने, दूसरी चीज क्या बताई? भावना। और भावना क्या होनी चाहिए? कल बताया दुर्गा भावना, गणेश भावना, शिव भावना, क्या होनी चाहिए? कृष्ण भावना, क्योंकि हम कृष्ण के पुत्र हैं। भगवान छाती पीट पीट के बता रहे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, स्वीकार करो, अहम बीज प्रदा पिता। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आजकल की किताबें बताते हैं क्या बताते हैं? हमारा बा कौन है? विठोबा नहीं, अमीबा। ये दुर्भाग्य है कलयुग का। तो वर्तमान क्यों, वर्तमान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे हाथ में ना भूत है ना भविष्य है। इसलिए कलयुग जीवों को दुर्भाग्य कहते हैं। अभी दुर्भाग्य शब्द का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? दुर्भाग्य किसको कहते हैं? ये दुर्भाग्य शब्द कहां से आती है? जो मनुष्य जीवन में आने के बाद भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान से दूर भाग रहा है, भगवान की जपमाला से दूर भाग रहा है, भगवान के भक्तों से दूर भाग रहा है, मंदिर से दूर भाग रहा है, सत्संग से दूर भाग रहा है, दूर भागने वाले व्यक्ति को कहते हैं दुर्भागी। क्या कहते हैं? दुर्भागी। कितना सुंदर शब्द दिया भगवान ने। दुर्भागी का अर्थ क्या है? दूर भागने वाला। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया भीष खाइनो। ओ दुर्भागी जीव है। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर ये जीवन भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का इस पे हक है। शरीर भगवान ने दिया है, बुद्धि भगवान ने दिया है, इंद्रिय भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया, तो हक किसका है? भगवान का है। लेकिन ये शरीर जब हमारे लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे इंद्रिय भोग के लिए, तो इट्स कॉल्ड एज सुसाइडल। इसलिए सुसाइड को हिंदी में शब्द क्या है? खुद खुशी। जब खुद के खुशी के लिए कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं खुद खुशी। क्या कहते हैं? खुद खुशी। सब कुछ शब्दों में है, सिर्फ दिमाग लगाना हमें। तो हमारे हाथ में ना भूत है ना भविष्य है, इसलिए पास्ट इज हिस्ट्री। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पास्ट इज हिस्ट्री, यानी वो इतिहास के पन्ने बन चुके हैं, उसको बदल नहीं सकते आप। और फ्यूचर इज मिस्ट्री,
क्या है, भविष्य क्या है, मिस्ट्री का मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, रहस्य है। किसने नहीं जाना है भविष्य में क्या होने वाला है। और दोनों हमारे हाथ में नहीं है, जो चला गया वो भी हाथ में नहीं है और आने वाला भी हाथ, हमारे हाथ में सिर्फ है वर्तमान। वर्तमान आपको पिता के घर ले जा सकता है, इसलिए वर्तमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या है, शादी में हम कहते हैं हमने प्रेजेंट दिया, मतलब क्या किया, गिफ्ट। सो दिस इज गिफ्ट, गॉड गिवन गिफ्ट टू लिफ्ट अस। गिफ्ट है किसके लिए, हमें लिफ्ट करने के लिए, हमारी भावना को उजागर करने के लिए, ए प्रेजेंट है। समझ गए, इसलिए पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, गॉड गिवन गिफ्ट। और प्रेजेंट को कहते हैं नाउ। अभी नाउ का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एन ओ डब्ल्यू, नो अदर वे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये वही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरिन्नता। और कोई उपाय नहीं, और कोई चारा नहीं, और कोई रास्ता नहीं, यही है आखिरी रास्ता। समझ गए, तो वर्तमान एक क्या है, हमारा सब कुछ है। क्योंकि कम से कम वर्तमान में तो भगवान के साथ रहना चाहिए, भगवान का संग करना चाहिए। किसके रूप में, कलयुग में भगवान आ रहे, किस रूप में, कली काले नाम रूपे, तो भाग्यवान जीव है। तो दुर्भाग्य का मतलब क्या बताया, जो भगवान के नाम से दूर भाग रहा है उसको दुर्भाग्य। लेकिन जो भगवान के नाम को स्वीकार करता है, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे, और इस नाम की विशेषता क्या है, भगवान से ज्यादा कृपालु, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि भगवान ने एक नाम में सारे अवतारों की, सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे 33 करोड़ देवता, सारे मंत्र, सारे बाबा, सारे माता, सब आ गए इसमें, इसलिए इसको महामंत्र। जैसे पहले जमाने में कोका कोला था, अभी आजकल क्या है, महाकोला। क्या है, तो क्या फर्क है कोका कोला और महाकोला में, कौन बताएगा क्या फर्क है कोका कोला और महाकोला। वो फर्क है मंत्र और महामंत्र में। कोका कोला 200 ml की बोतल थी, छोटी, अभी महाकोला 2.5 लीटर, 2500 liters। तो 2500 liter में कितने आ गए, 200 आ गए, 400 आ गए, 600 आ गए, 800 आ गए, 1000 आ गए, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, सब आ गए। जैसे महाकोला में सब आ गए, ऐसे महामंत्र में 33 करोड़ देवता आ गए, सारे जीव आ गए, सारे नारायण आ गए, सारे विष्णु आ गए, कलयुग के बाबा, कलयुग के माता, सारे मंत्र आ गए। इसलिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये वही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व, तो भाग्यवान बनेगा। भाग्यवान शब्द कहां से आती है, कोई बता सकता है, भाग्यवान शब्द जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान से नाता जोड़ता है, नाता जोड़ने का काम करता है भगवान का नाम। योग का मतलब है जोड़ना, तोड़ना, फोड़ना नहीं, भगवान से नाता जोड़ना। और भगवान से नाता जोड़ना कलयुग में बहुत आसान है, क्योंकि भगवान ध्वनि के रूप में आ रहे, सिर्फ ध्वनि सुनना है वर्तमान में रहकर सही भावना से, एक ही कंडीशन है, और वो भी उनके खुशी के लिए। समझ गए, इतना आसान कर दिया भगवान ने कलयुग में। तो भाग्यवान शब्द आता है भगवान से, जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान से नाता जोड़ता है दो तरीके से, क्योंकि भगवान ध्वनि के रूप में आते हैं, ध्वनि के दो रूप होते, हरि कथा और हरि नाम। समझ गए, जो भी ध्यान पूर्वक सुनेगा वर्तमान में रहकर, ये दो में से कोई भी एक तरीका, विशेष करके हरि नाम, तो वो भाग्यवान बनेगा। नहीं तो कलयुग में भाग्यवान किसको कहते हैं, जिसको लॉटरी लग गई उसको भाग्यवान, जिसको नौकरी लग गई उसको भाग्यवान, जिसको छोकरी लग गई उसको भाग्यवान। लेकिन ये कलयुग के तीनों भाग्य अगले दिन किसी के भी साथ भाग सकते हैं, लड़की भाग सकते हैं, लॉटरी भाग सकते हैं, नौकरी भाग सकते हैं, तो ये भाग्यवान नहीं है। या पत्नी को भाग्यवान कहते हैं। हमारे जमाने में एक सीरियल था जो 5 साल चला 90s में, किसी को याद है, बुनियाद,
तो उस बुनियाद शरीर में वो बूढ़ा बार बार कहता है पत्नी को, ओ भाग्यवान तुम कहाँ हो, ओ भाग्यवान इधर आओ भाग्यवान। तो उत्तर भारत में पत्नी को क्या कहते हैं, पत्नी को भाग्यवान क्यों कहते, क्या कारण है, कुछ तो कारण होना चाहिए। पत्नी को भाग्यवान क्यों कहते, क्या कारण है, क्या इसे मजाक में बुलाते भाग्यवान इसके लिए कहते हैं कि तूने मुझसे शादी की, तुझसे भाग्यवान और कौन हो सकता है तो ये भाग्य भी भाग सकता है, लॉटरी भाग सकते हैं, नौकरी भाग सकते हैं। तो भाग्यवान सच्चा भाग्यवान कौन है, जो पिता से नाता जोड़ता है, किसके द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। इसलिए कथा में अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही भगवान के नाम में वर्तमान में, तो क्या गारंटी है भविष्य में आप सुखी बनने वाले हो, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं, विचार करने की चीज है। जब भगवान 2 घंटे आपको संग दे रहे जप के समय, तब आपके आत्मा को संतुष्ट नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आत्मा को संतुष्ट देगी। आत्मा को संतुष्ट देने वाली एक ही चीज है, भक्ति। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतियता। कंडीशन क्या है, बिना कोई हेतु वर्तमान में सही भावना से पुकारो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए बुद्धि लगानी चाहिए कि मेरा भगवान के जप में भगवान के कथा में अगर मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो कुनिया की दुनिया की कोई भी ताकत मुझे खुशी नहीं दे सकती। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए वर्तमान में रहकर सही भावना से हम सुने। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में 7वां अध्याय 1ला श्लोक, तत् श्रुणु, मतलब क्या है, तत् श्रुणु का मतलब क्या है, सुनो मी, नहीं तो सुनामी आएगा आपके जीवन में, क्या आएगा, सुनामी। इसलिए जापान में बार बार सुनामी आती है, क्यों, बाहरी कारण बहुत है जापान में सुनामी आने की, लेकिन मूल कारण क्या है, वहां के लोग भगवान का नाम जप नहीं करते, इसलिए देश का नाम है जापान, जापान नहीं करते वो लोग, क्या नहीं करते, जापान जापान नहीं करते वो लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो प्रश्न क्या था, विचार करने लायक, जबकि हम अगर वर्तमान में भी भगवान के साथ है नाम के रूप में, तभी हमें खुश नहीं मिले, तो ऐसी कौन सी चीज है इस सारे त्रिभुवन में, तीनों लोगों में, 14 भुवन में जो हमें सुख दे सकती है। इसलिए भाग्यवान बनना है तो वर्तमान में रहकर सही भावना से हमें कथा सुननी है, और जप में हमारा ना उच्चारण किया हुआ हर एक शब्द सुनना है। अरे उच्चारण किया हुआ शब्द कान में ही जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग में एक ही यज्ञ सफल होगा, कौन सा यज्ञ, हरनाम संकीर्तन। क्यों, क्योंकि यही यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने वाला होगा। इसलिए भगवान ने गीता में 10वां अध्याय 25वां श्लोक क्या है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, क्या बताए, सारे यज्ञ में आपको सबसे ऊंचा फल देने वाला एक ही यज्ञ है कलयुग में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी। अभी बाकी यज्ञों के लिए क्या क्या चीजें लगती है, सामग्री लगती है यज्ञ करना है, तो देवताओं का, माता का, क्या क्या लगती है चीजें, शुद्ध ब्राह्मण चाहे, है कोई शुद्ध ब्राह्मण कलयुग में, कलो शुद्र संभवा, ब्राह्मण का मतलब है जो कभी शोक नहीं करता। कलयुग में हर कोई शोक कर रहा है, हर कोई रोना रो रहा है अपना, तो ब्राह्मण कैसे होता है, ब्राह्मण किसी के अंडर काम नहीं करता, है कोई माइकलाल जो किसके अंडर काम नहीं करता, भले बॉस के अंडर काम नहीं करता, लेकिन बीवी के अंडर तो काम करता ही हो, तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है कभी वो ज्ञान को बेचता नहीं, लेकिन आज कलयुग में सबसे बड़ा बिजनेस है प्राइवेट ट्यूशन, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कहेंगे आप पास होना है तो मेरे क्लास में आना होगा आपको,
तो पूरा बिजनेस चल रहा है, इसलिए ब्राह्मण है ही नहीं कलयुग में। तो ब्राह्मण नहीं तो यज्ञ कैसे होगा? शुद्ध घी है किसके पास? शुद्ध घी का रेट मालूम है किसको? हैंड चर्न घी, देशी गाय का घी, 7,500 रुपए गुजरात में, प्योर फॉर श्योर। और ऐसा घी अगर एक एक किलो यज्ञ में डालते रहेंगे तो यज्ञ करने वाले को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आएगा। समझ गए? शुद्ध घी नहीं, शुद्ध ब्राह्मण नहीं, शुद्ध उच्चारण है क्या किसका? नहीं उच्चारण, संस्कृत किसको पता नहीं। जगह शुद्ध चाहिए, समय शुद्ध होना चाहिए। कलयुग सबसे क्या है? गया गुजरा समय है। और ये भौतिक जगत शास्त्र के अनुसार टॉयलेट है, टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता, क्योंकि इस टॉयलेट में देवी देवता भी पेशाब को नहीं करने आते, तो भगवान क्यों आएंगे? इसलिए इम्पॉसिबल यज्ञ कलयुग में, इम्पॉसिबल। एक ही यज्ञ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाथ ऊपर रखिए, सजा नहीं आपके लिए, ये बताना चाहते। दो हाथ ऊपर किए, ये यज्ञ की ज्वाला, यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ में पहले क्या भड़कती है? अग्नि भड़कती नहीं, तो दो हाथ ऊपर करते हैं तो क्या होगी? यज्ञ की ज्वाला। हाथ नीचे कीजिए, छप्पर हमारा जल जाएगा, नंद महाराज अगली बार बुलाएंगे ना फिर हमारा आना बंद कर देंगे। दो हाथ ऊपर उठाते कलयुग के जीव तो क्या हो गई? यज्ञ की ज्वाला भड़कना शुरू हो गई, यज्ञ शुरू हो गया। अभी यज्ञ कुंड क्या बनेगा? दो कान के छेद यज्ञ कुंड बनेंगे। क्या बनेंगे? कान के छेद यज्ञ कुंड बनेंगे। और जीवा बनेगी चम्मच। क्या बनेगी जीवा कलयुग में? चम्मच। चम्मच से डालते हैं नहीं, पुरोहित किसे डालते हैं? चम्मच से। और कहां डालते हैं? गटर में डालते हैं, रास्ते में डालते हैं, कहां डालते हैं? नाली में, यज्ञ कुंड में। इसलिए जीवा अगर चम्मच है और भगवान का शुद्ध नाम घी है शुद्ध, ये जीवा से शुद्ध घी कहां डालना है? नाक में नहीं, आंख में नहीं, यही जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, इसलिए कान का महत्व बहुत है भक्ति में, क्योंकि कान से भक्ति शुरू होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, लेकिन श्रवण किससे होना चाहिए? ध्यान पूर्वक होना चाहिए। वर्तमान में लिखा मतलब क्या है? श्रवण ध्यान पूर्वक होना चाहिए। तो जीवा बनेगी चम्मच, कान बनेंगे यज्ञ कुंड, और भगवान का शुद्ध नाम शुद्ध कथा क्या बनेगी? जो कान में जाना चाहिए, शुद्ध घी, आहुति। ये सब चीज होने के बाद भी यज्ञ का फायदा नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? किसके खुशी के लिए कर रहे हैं? ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए हर कार्य करने से पहले प्रश्न करना है, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। ये आपकी चेतना को जागृत करेगा, आपकी भावना को जागृत करेगा, आपके हाथ से कोई गलत काम नहीं हो सकता। अगर ये तीन प्रश्न बार बार अपने मन से करेंगे कोई कार्य करने से पहले, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। समझ गए? तो ये जो क्या बता रहे थे हम इसके पहले, हाँ सारी चीजें, जीवा है, यज्ञ कुंड है, ज्वाला भड़क रही है, शुद्ध घी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना, भावना। किस भावना से कर रहे हैं हम? और भावना जागृत होती है जब हम वर्तमान में होंगे, वर्तमान में प्रश्न करेंगे, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए। तो जीवन का हर एक कार्य एक व्यक्ति के खुशी के लिए कर रहे हैं, और वो व्यक्ति है भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्ण की सेवा करने से अंश को अपने आप खुशी मिलेगी, वो आत्मा का आनंद होगा।
सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ययात्मा सुप्रसिद्धति। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारी भावना चेतना, और चेतना का दूसरा मतलब है वर्तमान में रहना। तो ये दोनों चीज चाहिए। वर्तमान में रहकर सही भावना से हम पुकारे तो ये सबसे बड़ा यज्ञ होगा। इससे बड़ा फल कोई यज्ञ नहीं दे सकता। कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ, बाकी यज्ञ आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सकते, लेकिन इससे फिर वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना। लेकिन जो ये यज्ञ करेगा मनुष्य जीवन में आकर दोनों हाथ उठाकर जीवा से उच्चारण करेगा, कान में पहुंचाएगा, क्योंकि उच्चारण के शब्द कहां जाना चाहिए? कान में। क्योंकि कान से क्या मिलेंगे? कान्हा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कान्हा मिलेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इस्कॉन। क्या नाम दिया है? अभी इस्कॉन का स्पेलिंग क्या है, कौन बताएगा? इस्कॉन का स्पेलिंग कितना बुद्धि लगाकर अपने जीवन का अनुभव लगाकर इसको इस्कॉन नाम दिया है। अभी इस्कॉन का स्पेलिंग क्या है? ISKCON। छह अक्षर है लेकिन पूरा सार दिया इसमें भक्ति का। अभी छह अक्षरों का दो दो का ग्रुप बनाया। पहला ग्रुप क्या है? आईएस का मतलब क्या है? इज। केसी का मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऑन का मतलब है क्या मेरी भावना जागृत हो रही है कि नहीं। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। तो हम मूर्ख कलयुग के नमूने क्या करते हैं? इज टीवी ऑन, इज मोबाइल ऑन, तो कैसे फल मिलेगा उसका? और हम रोते हैं जप करने के लिए समय नहीं, लेकिन जब तक हम 8 घंटे व्हाट्सएप पे बिताते, फेसबुक पे बिताते। इसलिए कलयुग के दुर्भाग्य जीव ये समझ नहीं पा रहे क्यों भगवान का नाम काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी भावना सही नहीं है और वर्तमान में नहीं है। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। जब तक कान में दवाई नहीं जाएगी तब तक दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारे कान में इन्फेक्शन हुआ है इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए कलयुग में हर जीव क्या है? कॉन्फ्यूज है। क्या है? क्या है कॉन्फ्यूज का मतलब है? उसके कान की फ्यूज उड़ गई है, वो सुन नहीं पा रहा है। भूले बिसरे गीत सुन रहा है, पिक्चर के गाने सुन रहा है, फालतू चीजें सुन रहा है, लेकिन जो सुनना चाहिए नहीं सुन रहा है। भगवान ने कान दिए है भूले बिसरे गीत सुनने के लिए नहीं, प्रजल्प सुनने के लिए नहीं, दुनिया भर की बातें सुनने के लिए नहीं, उनकी कथा सुनने के लिए, उनका नाम सुनने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं तो इस कान को भागवत में सांप का बिल कहा है। एक कान अगर भगवान के बारे में नहीं सुन रहे तो उसको क्या कहे? सांप का बिल। अरे सांप क्या है? विषय वस्तु अंदर प्रवेश कर रहे, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और अंदर बीष फेंक रहे भगवान के प्रति। इसलिए इसको कान जो भगवान के बारे में सुनते नहीं उसको क्या कहें? सर्प का बील। और जीवा अगर भगवान के सेवा में नहीं तो उसको वेशा कहा है, प्रोस्टिट्यूट। इसलिए जो उच्चारण करते हैं वो कान में जाना चाहिए, इस्कॉन, और अंदर लेने के बाद उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। श्रवण कहा है? अंदर उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। वी हैव टू कॉन्टेम्पलेट पॉन्डर मेडिटेट, देन हियरिंग इज गोइंग टू इग्नाइट योर इंटेलिजेंस। श्रवण का सही मतलब क्या है? ये बुद्धि को चालना देना चाहिए, बुद्धि एक्टिवेट होनी चाहिए। जैसे सिम कार्ड डालने के बाद एक्टिवेट होता है, ऐसे अंदर जाने के बाद भगवान की कथा भगवान का नाम एक्टिवेट होना चाहिए, बुद्धि एक्टिवेट होना चाहिए। Our hearing should ignite our intelligence. अभी 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler क्यों भागती है कौन बताएगा? जितने भी व्हीकल्स भागते क्यों है रास्ते पे?
क्योंकि इग्निशन के कारण। इसलिए यहां पर शब्द इस्तेमाल क्या क्या है, इग्नाइट। हर जो बूंद अंदर जा रहा है भगवान के नाम का, हर एक शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये हर एक बूंद किसके समान है, पेट्रोल का बूंद, डीजल का बूंद, गैस का एक एक बूंद वो दिल पे गिर रहा है, दिल मशीन के समान है, वो इग्निशन होती है, तब भक्ति की गाड़ी आगे भागेगी। जैसे रास्ते पे कौन सी गाड़ी भागती है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर। हियरिंग शुड इग्नाइट अवर इंटेलिजेंस, हियरिंग शुड फोर्स टू पॉन्डर थिंक। तो श्रवण शब्द कहां से आती है, कौन बताएगा श्रवण शब्द, ये बहुत छोटी छोटी चीज है जिसपे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, करना इसलिए कर रहे हैं बस, सत्संग में क्यों आते हैं, सुनने के लिए, क्या खाक सुना है हमने आज तक। अगर साधु के वचन को सुनते हैं तो कई जन्म लगते हैं उसको जीवन में उतारने के। प्रभुपाद जी का उदाहरण है, उन्होंने पहली बार अपने गुरु को सुना 1922 में, कौन से ईयर में, 1922 में। आप जैसे आए प्रवचन में सत्संग में, आने के बाद चप्पल उतार कर साधु को व्यासासन पे बैठे देखकर गुरु महाराज को दंडवत किया, अभी दंडवत मारकर उठे नहीं तो व्यासासन पे बैठे हुए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने, जो पहली बार मिल रहे जीवन में एक दूसरे से, एक दूसरे को जानते नहीं, उस गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ने जो प्रभुपाद दंडवत मार रहे थे उनको कहा, तुम इतने पढ़े लिखे नौजवान हो क्यों नहीं इस कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषा में बाहर के देश में जाकर पाश्चात्य देश में कर दो। देखिए एक गुरु और शिष्य का नाता होता है, इस जन्म का नहीं होता, आज तक एक दूसरे को मिले नहीं, पहली भेंट में एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन आज्ञा दी 1922 में, और उसको बहुत ही गंभीरता से लिया क्योंकि वर्तमान में रहकर सुना प्रभुपाद ने साधु की आज्ञा। और ये आज्ञा कितनी भारी थी, गुरु का मतलब है भारी, हेवी, गुरु मीन्स हेवी, इतनी भारी थी कि जो भगवान के कहने पर महाभागवत आए थे प्रभुपाद, उनको ये आज्ञा पूरी करने के लिए 44 साल लगे, 44 years, जस्ट इमेजिन। तो हम किस खेत की मूली है, हम क्या खाक सुन रहे हैं। प्रभुपाद जो भगवान के कहने पर इस भौतिक जगत में आए, शक्त्यावेश अवतार कहते उनको, उस महापुरुष को सुनकर उसको जीवन में उतारने में कितने जश्न लगे, 44। 1922 में आज्ञा मिली थी, 1966 में इस्कॉन का निर्माण किया, प्रचार शुरू किया, कितने हो गए 22 से लेकर 66, 44 years। ये सबूत है कि हमने आज तक सुना नहीं। इसलिए श्रवण का मतलब क्या है, कौन बताएगा, हम आए श्रवण करने के लिए, क्या कर रहे हैं हम श्रवण। श्रवण शब्द आते हैं चरवण से, संस्कृत शब्द क्या है चरवण, सुना है कभी डाबर का चरवण प्राश, वो नहीं चरवण यानी च्युइंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं च्युइंग, हिंदी में जुगाली, चुगाली नहीं जो हम मंदिर में आकर करते हैं, चुगाली नहीं, क्या है जुगाली, और मराठी में रवंत, कौन करती है जुगाली च्युइंग, चरवण कौन करते, गैया करती है, इसलिए भक्त को भी गैया के समान माना है क्योंकि भक्त भी गैया के समान होना चाहिए। कहां बताया गीता में, मत चुता मदगता प्राणयंत बोधयंत परस्पर, इसलिए जीवात्मा गाय के समान होना चाहिए। इसलिए शायद कलयुग में क्या कहते आदमी को, गाय कहते यू गाइस, क्या कहते यू गाइस, लेकिन गाय का काम नहीं करता हो जुगाली की जगह चुगाली करता होता है। तो गाय की विशेषता क्या है, जो भी मिलता है पहले पेट भरती है, वो टंकी फुल करती है, और एक बार पेट भरने के बाद वो पेड़ के नीचे जाकर बैठती है, और क्या करती है जो पेट में है फिर से मुंह में लाकर बड़े प्रेम से वर्तमान में रहकर क्या करती है, उसको चबाती है, उसको कहते हैं जुगाली, च्युइंग, चरवन। जितना समय देगी जितना प्रेम देगी वो हरा भरा घास भी अमृत बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि घास का क्या बनता है, जितना आप प्रेम से चबाते हैं गैया क्या बनता है उसका,
और दूध को, गाय के दूध को इस धरती तला का अमृत कहा गया। अभी घास अमृत कैसे बन गया? क्योंकि उसने प्रेम से उसको चबाया। ऐसे कथा में आकर हमें सब कुछ अंदर लेना है, और कथा के बाद अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, हो सके तो पूरा जीवन उस पे मनन चिंतन करना है। कि श्रवण ए एक्टिविटी नहीं, ए कार्य नहीं, ए भौतिक कार्य नहीं, ए क्या है, विधि है। इस विधि को हमने नहीं समझा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। विधि को सही तरीके समझेंगे तो विधान बदल सकते हैं, हमारा नसीब बदल सकते हैं, हमारा कर्म बदल सकते हैं, हमारा प्रारब्ध बदल सकते हैं, हमारा डेस्टिनेशन बदल सकते हैं, ये विधि। तो श्रवण कीर्तन विधि क्यों, कहां बताए? नवविधा भक्ति कहां से शुरू होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सो इट्स नॉट एन एक्टिविटी, इट्स प्रोसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड एक्टिविटी, कौन बताएगा? कार्य में और विधि में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोसेस? ये छोटी छोटी चीजें जब ध्यान देंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम। अभी करना इसलिए कर रहे हैं, किसी भक्त ने कहा माला नहीं करोगे नरक जाओगे, घबरा कर ले लिया हमने, तो ये प्रोसेस नहीं, वो भी शुरुआत में अच्छी है। बिकॉज एवरी वे एक्टिविटी इज मोटिवेटेड बाय फोर थिंग्स, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव। हर कार्य के पीछे, भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसके पीछे चार ही क्या होते, कारण होते, उद्देश्य होते। भय के कारण, शुरुआत भय के कारण। ऐसा कोई कार्य है जो भय से नहीं करते हम? अभी हम सब लोग कपड़े पहन के क्यों आए, क्या कारण है? क्योंकि रास्ते से ऐसे नंगे आएंगे तो पत्थर मारेंगे लोग, तो भय है पत्थर खाने का, इसलिए कपड़े पहन रहे क्यों खा रहे न तो भूखा मरेंगे, क्यों कमा रहे? परिवार रास्ते पे आएगा, भय। भौतिक जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम भय से नहीं करें, भय का साम्राज्य। क्योंकि हर कोई भगवान को भूल गया है, जैसे जीवात्मा भगवान को भूलता है भय जन्म लेता है। भयम द्वितीय विनेशात भागवतम 11वां स्कंद, खुद भगवान उद्धव को बता रहे। लेकिन ये सारे भय नष्ट हो सकते हैं अगर हम सही भावना से वर्तमान में रहकर भगवान का नाम पुकारेंगे। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणानंद। इसलिए श्रवण सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, सुनो मी तो हियर, क्या मतलब बताया उन्हें? जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम, हर प्रकार का भय जीवन से भाग सकता है। क्या भजन है गोविंदा जी का? भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। तो इसका मतलब क्या प्रभुपाद बताते हैं? भक्ति की शुरुआत कान से क्यों होती है? तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य बताते हैं। भज हो रे मन का मतलब क्या है? व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर परमात्मा से। When you hear, you are near to your most dear and there is no fear. अरे भगवद गीता में श्लोक भी है 10.10 के बाद क्या आता है नंबर 10.11। तेषानु एवानु कंपार्थम अहम अज्ञानजम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। समझ गए? तो देखिए कितना सुंदर बताया प्रभु जी ने, प्रभुपाद ने। ये भजन को इंग्लिश में लिखा है, टीका लिखिए। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर। तो श्रवण परमात्मा को फाइन ट्यून करता है करोड़ों जन्मों के बाद, परमात्मा को जागृत करता है श्रवण। इसलिए श्रवण महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा टीवी रेडियो के समान है। कितना भी बढ़िया कंपनी का टीवी रेडियो हो तुरंत स्टेशन पकड़ता नहीं, हमें आधा घंटा लगा स्टेशन पकड़ने के लिए, लेकिन स्टेशन पकड़ा ही नहीं 3 लाख का अपना प्रोजेक्टर, क्योंकि फाइन ट्यून नहीं हो रहा है। ऐसे करोड़ों जन्म लगते हैं फाइन ट्यून कर, शायद भगवान ने प्रोजेक्टर नहीं चलाया आज ये उदाहरण बताने के लिए, समझ गए? तो परमात्मा को जागृत करना है तो हमें सुनना होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे कान में कीड़ हो गई है,
कान में खुजली हो गई, कान में खुजली होती है, कीड़ होती है, इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर क्या देते हैं, क्या देते हैं, ईयर ड्रॉप्स। ऐसे भगवान ने कलयुग के नमूनों के कान में डालने के लिए 16 ईयर ड्रॉप दिए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, उतने जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। तो इसमें क्या बताया, भक्ति शुरू होती है कान से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। क्या सबूत है पिक्चर में, कोई बताएगा, किसके समझ में आया? चार इंग्लिश शब्द है, हियर नियर डियर एंड फियर, इसमें कॉमन क्या है? देखिए कितना सुंदर बताए, कौन से आचार्य है मत बताओ, पूछो। इससे समझ सकते हैं भक्ति कहां से शुरू होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और हियर, हियर का स्पेलिंग क्या है, एच ई आर में ताकत क्या है, वर्तमान में रहकर सही भावना से करते हैं, एच ई आर हमारे जीवन में एच ए आर ई प्रकट कर सकते हैं, दैट इज 9.13 महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम प्रकृतिम, जो दैवी प्रकृति कौन है, राधा रानी, हरे, हरे का स्पेलिंग क्या है, एच ए आर ई, कभी प्रकट होगी एच ए आर ई, जब एच ई ए आर वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया इस्कॉन, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। इस्कॉन का दूसरा मतलब क्या है, सुनकर छोड़ना नहीं, इस कान से सुनकर इस कान छोड़ना नहीं, नहीं तो क्या होगा, इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान, क्या होगा इस कान से उस कान तो क्या चलेंगे, चेहरे पे खुशी नहीं होगी, मायादास, हमेशा मायादास बनेंगे हम। कृष्णदास बिंदास क्यों है, क्योंकि वो सुनकर मनन चिंतन कर रहा है, भगवान उसके साथ में। तो भक्ति में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो उद्देश्य क्या है, क्योंकि नाम जप करने के, सत्संग करने के, कथा सुनने के अनेक फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कलयुग के जो को लगता है, नाम जा राम नाम जपा करो हलवा पूरी सफा करो, तो कई लोग इसके लिए आते नाम क्या है, राम नाम जपा करो हलवा पूरी सफा करो, तो कई लोग तो बिल्कुल प्रसाद के टाइम आते। तो एक ऐसा बंदा मेरे सामने आकर बैठ गया, 9 को क्लास पूरा होने वाला था, 9 को 5 मिनट थे, आकर बैठ गया। तो मैंने कहा प्रभु जी बहुत जल्दी आ गए, बोले प्रभु जी क्यों मजाक कर रहे, नहीं नहीं सचमुच जल्दी आ गए, नहीं प्रभु जी बहुत लेट हो गया माफ कर, नहीं नहीं मैंने कहा प्रसाद के लिए बहुत जल्दी आ गए आप। तो सत्संग में आने का उद्देश्य एक खाने के लिए नहीं, उसको प्रसाद कहते, वो भी अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन ये प्रसाद घर में भी भोग लगाकर खा सकते हैं, तो सत्संग में आने की जरूरत क्या है, क्यों आना चाहिए फिर सत्संग में? मुंह से खाने वाले व्यंजन नहीं, मुंह से खाने वाले चार व्यंजन होते, कौन कौन से, मुंह से खाने वाले व्यंजन कौन से है, चूसने वाले, चबाने वाले और चाटने वाले, पीने वाले, चार प्रकार। तो इसके लिए सत्संग में नहीं आना है, कथा में आना है सत्संग में, मुंह से खाने के लिए नहीं, कान से खाने के लिए, क्योंकि कान के खाने वाले भी व्यंजन चार होते, नाम रूप गुण लीला। ए जिसने खाया उसने भगवान को प्राप्त किया, उसने भगवान को तत्वता जान लिया, और जिसने तत्वता जान लिया वो भौतिक जगत में फिर से नहीं आएगा। 4.9 क्या है श्लोक, जन्माष्टमी का फेमस श्लोक क्या है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वता। अभी तत्वता का मतलब क्या है, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति अपनी बनानी है हमेशा के लिए, तो उस व्यक्ति के बारे में, चीज के बारे में चार चीज हमें मालूम होनी चाहिए, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है, वो क्या लीला कर सकते। ऐसे भगवान हमें अपना बनाना है भगवान को, तो हमें क्या करना है,
चार चीज वर्तमान में कर ध्यान पूर्वक सुनना है भगवान के बारे में, तो भगवान आपके हो गए। क्या चार चीज है? जो कान से खाने वाले चार व्यंजन, नाम रूप गुण लीला, और हरे कृष्ण महामंत्र की ताकत का है, ये चारों चीज प्रकट कर सकता है। इसलिए शास्त्र में जो आखिरी सूत्र है वो है अनावृत्ति शब्दात। क्या नाम है श्लोक? एवरीथिंग बिगन्स विथ साउंड वाइब्रेशन। जितना भी निर्माण होता है ध्वनि में निर्माण करता है। कोई उदाहरण बताइए, भौतिक जगत में जो भी निर्माण होता है ध्वनि के कारण, कोई उदाहरण? हमारा जन्म हुआ ध्वनि से, ट्यों ट्यों ट्यों, है कि नहीं? पहले ध्वनि आ गया बाद में भार आ गए हम, है कि नहीं? तो ध्वनि प्रकट करता है। एवरीथिंग बिगन्स विद साउंड वाइब्रेशन। दूसरा, ये बिल्डिंग खड़ी हुई, किसी एक भक्त ने अपने मन में विचार किया यहां मंदिर होना चाहिए, तो विचार भी ध्वनि है, सटल ध्वनि। तो ध्वनि इतनी ताकतवान थी, ये ध्वनि ने ईट पत्थर मार्बल वर्कर्स इकट्ठा किए, समझ गए? सो एवरीथिंग बिगन्स विद साउंड वाइब्रेशन। भगवान भी प्रकट होते ध्वनि के कारण। कैसे? अभी ऑल्टर बंद है, पूरा पट बंद है, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, दरवाजा खुलेगा नहीं, लेकिन ध्वनि में ताकत क्या है? एक लुकड़ा पुजारी बाहर आएगा शंख लेकर और जोर से ध्वनि करेगा। ध्वनि के कारण भगवान को पट खोलना पड़ता है। भक्त लोग आकर ताली बजाते, ताली क्या है? ध्वनि है। उस ध्वनि के कारण पट खुलता है, उस शंख के कारण पट खुलता है। ये ध्वनि की ताकत है। इसलिए ध्वनि को साधारण मत समझो। जो ध्वनि आपको आध्यात्मिक जगत से खींच कर लाया यहां सड़ाने के लिए, वो आपको इस भौतिक जगत से बाहर भी निकाल सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भौतिक ध्वनि में इतनी ताकत है कि आपको आध्यात्मिक जगत से खींच लाया, तो आध्यात्मिक ध्वनि में कितनी ताकत होगी? वो आपको जरूर भौतिक जगत से बाहर निकालकर पिता के घर ले जा सकता है। कंडीशन क्या है? वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारो उनके खुशी के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान की हर एक लीला शुरू होती है ध्वनि से। अभी कृष्ण लीला कहां शुरू हुई? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट? कृष्ण लीला में सबसे बड़ा मोड़ क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है, कोई बताएगा? सब कुछ आराम में चल रहा था, मामा कंस इतना प्रेम कर रहा था बहन से, उसका सारथी बने था, क्या हुआ रास्ते में? आकाशवाणी। इस ध्वनि ने मजबूर किया भगवान को जन्म लेने के लिए, तो भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार मामा प्रेम करता रहता तो भांजे को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए? सो एवरीथिंग बिगिंस विद साउंड वाइब्रेशन। नरसिंह भगवान आए खंबे से, लेकिन खंबे से पहले क्या निकली? ध्वनि निकली, है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ध्वनि पे ध्यान दीजिए, ध्वनि आपको लेके जाएगा, क्योंकि भगवान ध्वनि के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में चारों चीज प्रकट हो सकती है। इसलिए मैंने आपको भगवत धाम जाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है हरे कृष्ण महामंत्र में दिया, क्योंकि एक आदमी आकर बहुत दिमाग खा रहा था, उसने लगभग प्रभुपाद के दिमाग का दही बना दिया, इतना उनको परेशान कर। तो मैं भगवत धाम कैसे जा सकता हूं? प्रैक्टिकल उदाहरण बताए मुझे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताए। तो इतने उदाहरण देने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा था, तो प्रभुपाद कहे आई डोंट हैव एनीथिंग, जस्ट चैंट हरे कृष्ण, इसमें मैंने सब कुछ दिया है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं द सीक्रेट ऑफ होल क्रिएशन इज इन द बीड बैग। आपके बीड बैग में सारे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है, उस पर ध्यान दो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, अंदर जो माला है उस पर ध्यान नहीं देते, बाहर जो लटक रही है उस पर ज्यादा ध्यान होता है हमारा, ये प्रॉब्लम है। बाहर कौन सी लटकती है माला? काउंटर बीड।
तो काउंटर बीट पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, हमसे हमारा एनकाउंटर होता है माया के द्वारा। ज्यादा काउंटर माला पे ध्यान मत दीजिए, नहीं तो माया क्या करेगी, एनकाउंटर करेगी आपका, है कि नहीं। मैक्सिमम लोग, भक्त लोग जब शुरू करते हैं तो किस पे ध्यान देते हैं, अंदर की जो तुलसी माला नहीं, बाहर जो लकड़ी कब नीचे आएगी, कब नीचे आएगी। तो क्या प्रेम है, क्या भावना है आपकी। और किसी भी भक्त को पूछो जब हुआ क्या, तो क्या कहता है, जब को खत्म किया। क्या किया, तो खत्म करने के लिए पूतना आई थी, पूतना की भावना लेकर मत आइए। समझ गए कितना गहरा मतलब है बोलने में, क्योंकि जो दिल में है वो जुबान पे आ रहा है आजकल। इसलिए कल से या आज से नहीं बोलना है, जब को खत्म किया, जब को फिनिश किया। भावना का खेल है सब, अंदर पूतना बैठी है। तो साधक पूतना के समान है कलयुग के, क्यों, क्योंकि साधक भी 2 घंटे भगवान को दूध पिला रहे हैं। अभी कौन कौन सी माता ने कृष्ण लीला में भगवान को दूध पिलाया, लिस्ट बनाइए। पहली माता है देवकी, तो भावना से कितनी खुशी मिलती है हम देखेंगे। वर्तमान में रहकर माताओं ने सही भावना से भगवान को दूध पिलाया। पहली माता है देवकी, अभी उसकी भावना क्या है, वर्तमान में भगवान को दूध क्यों पिलाया। 12 बजे भगवान कितने बजे आते हैं, 12 बजे क्यों आते हैं, 1 बजे क्यों नहीं आते, 11 बजे क्यों नहीं आते, क्या कारण है, भगवान 12 बजे क्यों आते, ताकि हमारे 12 ना बजे। इसलिए भगवान कितने बजे आते हैं, 12 बजे। अभी जेल में क्यों आते हैं, प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा। जेल में क्यों आते, मैटरनिटी होम में क्यों नहीं आते, महल में क्यों नहीं आते, जेल में क्यों आते, हमें जेल से बाहर निकालने के लिए। तो रात को 12 बजे भगवान जब अवतरित हुए तो दूध पिलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भगवान आत्माराम है, उनको भूख नहीं लगती, है कि नहीं, अपने आप में संतुष्ट है वो। फिर भी मां ने दूध पिलाया, क्या भावना होगी कौन बताएगा, क्योंकि पहले 6 पुत्रों को दूध नहीं पिला पाई थी। बिना दूध पिलाए भाई ने हाथ से छीनकर पत्थर पे पटक दिया था, अरे 6 बच्चों की कत्ल हत्या अपने आंखों से देखी थी। इतना बड़ा बलिदान 8वें पुत्र के लिए था, याद रखिए। अगर उसको भी दूध नहीं पिलाऊंगी तो मैं कैसे मां कहलाऊंगी। मां तभी कहलाती है जब वो बच्चे को दूध पिलाते है, और इसके कोई पहले बच्चे को दूध नहीं पिला पाई थी। तो इस भावना से मां कहलाने के लिए देवकी माता ने 8वें पुत्र को दूध पिलाया है, भले जरूरत नहीं थी, भगवान आत्माराम है, उनको भूख लगी नहीं थी। दूसरा कारण क्यों बता रहे, भावना इंपॉर्टेंट है, क्यों पिला होगा देवकी माता ने दूध। दूसरा कारण क्योंकि वासुदेव ने भगवान अवतार होने के बाद तुरंत अपने गले से लगाया, आ गले लग जा, तब ये श्लोक गीता में भगवान ने बोला है, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम, ऐसे मेरे पिता ने जैसे गले को लगाया ऐसे मैं भी आपके जीवन में अवतार लूंगा, आपके दिल में जो कंस की क्या है, जेल के समान है, अंधेर कोठड़ी, उसमें मैं अवतार लूंगा आपके जीवन में। मेरे पिता ने जो किया आप भी अपने जीवन में कीजिए, मैं जब नाम के रूप में अवतार लूंगा आप भी मुझे गले से लगाइए। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो क्या फायदा हुआ वसुदेव जी को, वो साधक को फायदा होगा। जब जीवात्मा वसुदेव के समान भगवान को नाम के रूप में गले से लगाता है प्रेम से, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, क्या होगा वसुदेव जी का फायदा, क्या हुआ, हाथ की पैर की बेड़िया टूट पड़ी। कभी सुना है श्लोक, वसुदेव जी हथौड़ा छना लेकर बैठ गए तोड़ने के लिए, आवाज करते बैठे, नहीं, अपने आप टूट पड़ी, तोड़ दे सारे बंधन, सुना है कि नहीं, गोवा गुटका। तो ऐसे सारे बंधन टूट पड़े सिर्फ गले से लगाने से, इतनी शक्ति है। जब प्रेम होगा, सही भावना होगी, बंधन टूट पड़ेंगे। तो जीवात्मा में बंधन क्या होते हैं, 3 गुणों के, 3 तापों के, 6 प्रकार के रोन सारे टूट पड़ेंगे जब भगवान को प्रेम से गले लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
अगला फायदा क्या हुआ, जेल को बड़े बड़े ताले थे, भले उन तालों का नाम था हरिसन ताला, क्या था, लेकिन हरि ने उसको भी तोड़ दिया, हो जा साला बाजू में हरिथन साला। उसके बाद अगला फायदा, जो रखवालदार थे, सिपाही थे, वो बेहोश हो गए। किसने बेहोश किया, सिर्फ गले से लगाने से दिखे चमत्कार क्या हो रही है। उसके बाद बारिश का कोई नामो निशान नहीं था उस रात, नो वेदर फोरकास्ट, हेवी रेन्स, रेड अलर्ट नहीं, लेकिन अपने आप घनासन बारिश शुरू हुई। क्यों शुरू हो गई, इसके पीछे भी कारण है। भगवान जब करते हैं तो हर एक का कारण होता है, क्योंकि वो सब कारणों के कारण है। इतनी घनासन बरसात क्योंकि भगवान ने, ताकि एक भी मथुरावासी घर के बाहर न निकले, पिताजी का काम आसान हो। इतने घनासन बरसात में लोग दरवाजा बंद करके खराटे मारेंगे, क्योंकि बहुत पराठे खाए, खाओ पराठे मारो खराटे, तो कोई माई का लाल बाहर निकलेगा दरवाजा खोलकर, इतने बरसात में कौन बाहर आएगा। तो पिताजी को मुझे ले जाने के लिए काम आसान करना है, क्योंकि पिताजी ने मुझे गले से लगाया, आ गले लग जा। उसके बाद उस रात को पहली बार हुआ, मथुरा के कुत्ते भौंकना बंद कर दिए, किसने साइलेंसर लगाया उनके मुंह में, कुत्ते तो 12 बजे जागृत होते, बराबर 12 बजे अपना एरिया मार्क करते, कैसे करते हैं, पिशाब करके, जो भी इस एरिया में है भौंकना शुरू करते। लेकिन उस रात कुत्ते भौंकना बंद हो गए, किसने बंद किया उनका भौंकना, अरे सब देखकर देवकी माता को लगा कि अगर मैं गलती से दूध नहीं पिलाऊंगी उसको, रात जाते समय भूख लगेगी, ये बच्चा भूख से रोना शुरू करेगा और पूरा मथुरा जाग जाएगा, ये हाथ पैर की बीड़िया टूटना, लॉक टूटना, सिपाहियों का बेहोश होना, बरसात आना, कुत्ते न भौंकना, इसका कुछ फायदा नहीं होगा, सब पे पानी फिर जाएगा। तो कितनी सुंदर भावना देखे माता की, कि पति को तकलीफ ना हो, बच्चा संकट में ना आए, क्योंकि बच्चा रोना का शुरू करेगा रात को 12 बजे तो सब दरवाजा खोलेंगे बरसात के बावजूद, कहेंगे कौन क्रूर माता है रात 12 बजे बच्चे को रास्ते पे छोड़कर गई है, बच्चा इतना रो रहा है। अरे वार्ता कहां जाएगी, मामा के पास, और मामा जरूर आएगा भांजे को देखने के लिए। तो ये भावना से दूध पिलाया गया, और भगवान ने किस भावना से पिया है कोई बता सकता है, भगवान की भावना क्या है, ये यथा माम प्रपद्यते, भगवान भी उस भावना के साथ आदान प्रदान करते। भगवान आत्माराम को पीने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान ने क्यों पिया है, क्योंकि देवकी माता को मां कहलाने का अधिकार देने के लिए। दूसरा कारण, भगवान और मनुष्य में ये जमीन आसमान का फर्क है, याद रखिए, ये याद रखेंगे तो भक्ति में विश्वास बढ़ेगा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले, तो ये विश्वास श्रद्धा बढ़ाने के लिए एक पॉइंट बहुत सुंदर है, जिसके आधार पर भागवतम के 10वें स्कंद में 14वां अध्याय 8वां श्लोक ब्रह्मा जी बोलते तत्तेनुकंपा सुषमिक्षमान। तो इसका बेस है ये स्टेटमेंट भगवान का, कि भगवान भविष्य को देखकर वर्तमान स्थिति में वांग दे भक्त के जीवन में। क्या बताया हमने, बाय सीइंग द फ्यूचर कृष्णा क्रिएट्स प्रेजेंट सिचुएशन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते वर्तमान में जो भी स्थिति है उसको सहन करते हुए जो भक्ति में लगा रहेगा उसको क्या मिलेगा, आध्यात्मिक जगत का कन्फर्म टिकट, आरए से नहीं वेटिंग ली, तत्तेनुकंपा सुषमिक्षमानो भुंजायत। तो भगवान भविष्य को देकर वर्तमान निर्माण करते, और हम मूर्ख लोग 150 ग्राम की खोपड़ी के लोग क्या करते हैं, वर्तमान को देखकर भविष्य बनाने का प्रयास, इसमें फंस जाते, समझ गए, हमारी मूर्खता क्या है, वर्तमान को देखकर भविष्य बनाने में हम फंस जाते और हमारे कभी प्लान सक्सेस नहीं होते, क्योंकि भगवान त्रिकाले गए वो भविष्य को देख सकते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में जो भी स्थिति निर्माण होती है उसको भगवान की अनुकंपा समझकर लगे रहना है, भजन छोड़ना नहीं किसी भी हालत में, दुनिया इधर की उधर हो जाए
हमें लगे रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कौन सा श्लोक बताया? ब्रह्मा जी का विधाता का श्लोक 10.14.8 तत्तेनुकंपा। तो भगवान क्या देख रहे हैं? अभी जन्म लिए है लेकिन वो 10 साल 2 महीने के बाद की सोच रहे, भविष्य को देखकर। त्रिकालज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान, 10 साल 2 महीने के बाद फिर से इसी जेल में आऊंगा, कंस मामा को मारने के बाद माता पिता को हमेशा के लिए बीड़ियों से मुक्त करने के लिए। तब मां कहेगी, बेटा तुम आने से पहले नारद मुनि यहां आकर हमें सब कुछ बता के गए कि आप आगे जाकर क्या करोगे, अपने गुरु महाराज संदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस लाओगे। तब मां कहेगी, बेटा मैंने तुझे दूध पिलाया है, दूध का कर्जा उतारना होगा, इसलिए भगवान ने दूध पिया, दूध का कर्जा उतारने के लिए। तो भगवान को वो 6 पुत्र लाना पड़ेगा जो बिना दूध पिए पत्थर पे पटकाए थे मामा ने, और उसी स्थिति में लाना होगा भगवान को। तो भगवान जब लेकर आएंगे तो मां क्या करेगी? पहला कार्य क्या करेगी? कौन सा कार्य करेगी मां बच्चे हाथ में मिलने के बाद? क्योंकि उनको दूध नहीं पिलाया, पहले दूध पिलाने का प्रयास करेगी। और भगवान अभी वर्तमान में दूध क्यों पी रहे? क्योंकि अभी दूध पीऊंगा तो आगे जाकर ये मां के स्तनों को मुंह लगाकर जो दूध पीऊंगा वो मां के स्तन महाप्रसाद बनेंगे और मेरे भाइयों का उद्धार होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की। इतनी दूर की सोचते हैं, हमें लगता है भगवान चिंता नहीं करते। भगवान को ज्यादा चिंता है हमसे, भले आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में चिंता नहीं होती लेकिन भगवान रात को सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा आज पहुंचने वाला था, फिर से कहां गायब हो गया इसकी चिंता में होते हैं भगवान। तो भगवान इतना चिंता करते हैं, वो चिंता करें अपने भाइयों की जो मरीचि के पुत्र है, मानसिक पुत्र है, जिनको मामा कंस ने पत्थर पे मार कर पटक कर मारा था, जिनको दूध पीने का अवसर नहीं दिया था। तो ये भगवान की महानता है कि भगवान हमेशा क्या करते हैं? भविष्य को देखकर वर्तमान स्थिति निर्माण करते। जैसे कालिए के साथ भगवान एक मुहूर्त तक उसके क्वाइल में थे, किसमें थे? कुंडली में थे। क्या कहते? कुंडली, क्वाइल। कालिया ने भगवान को पकड़ के रखा था, भगवान को क्या असंभव है उसके पकड़ से बाहर निकलना। अभी रामायण में हनुमान ने क्या किया था? सुरसा के मुंह में गए, मच्छर बनकर वापस आ गए। ये उनके भक्त कर सकते हैं तो भगवान ही क्यों कर सकते? क्योंकि भगवान का एक ही नाम है, अनुर अनियान महतो महियान। बड़े से बड़े भी बन सकते हैं, छोटे से छोटे। तो उस समय क्यों नहीं बने भगवान छोटे से छोटे, जिस कारण वो उस चंगुल से बाहर निकल सकते थे। और उस दौरान भगवान ने और एक चमत्कार किया। क्या किया है? जानबूझकर कालिया के साथ युद्ध करते समय अपने वक्ष स्थल पे, जो क्या होता है भगवान की सबसे बड़ी पहचान, कौस्तुभ मणि जानबूझकर नीचे डाल दिया, अपनी पहचान को नीचे छोड़ दिया, फेंक दिया यमुना में। क्यों? क्योंकि भगवान देखना चाहते थे भविष्य में ये जो कौस्तुभ मणि नाग पत्नी को मिलेगा तो छुपा के रखेगी अपने पति के लिए या पति के द्वारा मुझे अर्पण करेगी, तब जाकर कालिया का उद्धार करूंगा। समझ गए? ये युद्ध के दौरान सोच रहे भगवान कि इस भक्त का उद्धार कैसे हो। इसका संबंध क्या है साधकों के जीवन में? हम भी कालिया के साथ युद्ध कर रहे हैं, हमारा मन भी कालिया है और भगवान हमारी साथ दे रहे। किसके रूप में? नाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। मन षष्ठानी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। अर्जुन तो सिर्फ 18 दिन युद्ध में थे कुरुक्षेत्र के भूमि पर, लेकिन कलयुग का जीवात्मा हर क्षण युद्ध भूमि पे,
कौन सा युद्ध शुरू है? मन में, मन का विचारों के साथ, मन का भावनाओं के साथ, मन का इच्छाओं के साथ। हर क्षण हम युद्ध भूमि पे, तो इस युद्ध में हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए भगवान हमारे साथ में। कभी अगर वर्तमान में रहकर हम सही भावना से भगवान को पुकारेंगे, तो जैसे कालिया का उद्धार करने के लिए वो सोच रहे, हमारे उद्धार के बारे में सोचेंगे वो, है कि नहीं? युद्ध करे लेकिन उसका उद्धार कैसे हो, उसके लिए भगवान ने क्या फेंका है? कौस्तुभ मणि। कितनी दूर की सोचते हैं भगवान, है कि नहीं? इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, मनुष्य जीवन में आकर चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि चिंता और चिता में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, गीता भगवत, मनुष्य जीवन ना तो चिंता करने के लिए है ना चिता बनने के लिए। मनुष्य जीवन है चिंतन करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि चिंता उनकी जिम्मेदारी है, समझ गए? तो क्या फर्क है चिंता और चिता में, कोई बताएगा? चिंता और चिता में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होना चाहिए, दो शब्द अलग है। चिंता और चिता एक बिंदी का फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। चिता होती है आदमी मरने के बाद एक बार होती है, है कि नहीं? अभी बार बार चिता क्यों नहीं होती? क्योंकि लकड़ी महंगी है और मुर्दा भाड़े पे नहीं मिलता। करोना में तो अपना मुर्दा नहीं मिल रहा था, है कि नहीं? इसलिए चिता एक बार होती है। आदमी मरने के बाद उसको आग लगाते, सबसे बड़ा काम करते, उसको चिता कहते। लेकिन चिंता क्या है? जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक मुर्दा नहीं बनता, उसको चिंता कहते। समझ में आया चिंता का अर्थ? जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा नहीं बनता। इसलिए भगवान कहते बेटा चिंता मत करो, चिता मत बनो, सिर्फ तुम चिंतन करो, मैं बाकी संभाल लूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो बताने का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाने के लिए हमें शरीर का उतना चिंता नहीं करना चाहिए। कितना भी चिंता करो, शरीर के तीन ही गति है, राख बनोगे, मिट्टी बनोगे या विष्ठा बनोगे। स्पष्ट रूप से बताया भागवत में, तीनों में से एक चीज होने वाली। हिंदू है तो जलाते हैं तो राख बनोगे, मुसलमान दफनाते हैं तो मिट्टी में जाकर मिट्टी बनोगे, पारसी लोग ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, गीदड़ को डालते हैं, गीदड़ पूरा संडे फिस्ट करके अगले दिन महाप्रसाद छोड़ देगा। तो तीनों में से एक चीज होने वाली है, राख मिट्टी या विष्ठा। तो जो निश्चित है उसके लिए चिंता करने की जरूरत क्या है? इसलिए मनुष्य जीवन चिंता करने के लिए नहीं, चिंता बनने के लिए नहीं, इसके लिए चिंतन करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए भगवान कहते हैं कि ये धन आपके साथ आएगा, हरि नाम का धन। क्योंकि मां के गर्भ से जब आते हैं तो नंगे आते हैं और जाते समय नंगे होते, और आदमी जब मुर्दा बनता है तो उसको ढकते हैं, उसके शरीर पे कपड़ा ढकते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, किसको पता है? और आचार्य कहते हैं कफन में पॉकेट नहीं होता। क्या नहीं होता? पॉकेट नहीं होता। तो क्या लेके जाओगे? कोई बैंक कहते हैं भाई साहब करोड़ रुपए पड़े हैं, आपका अकाउंट क्लियर करके जाओ। साथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये धन है ये आपके साथ आएगा। नेहा भिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विदते स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्वया। तो बुद्धिमान है जो धन इकट्ठा करता है। ये धन के बिना आप दरिद्र है, भिखारी है आप, अगर आप खाली हाथ जाओगे मनुष्य जीवन में आकर। इसलिए चैतन्य चरितमृत कहा है कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। क्या श्लोक है?
कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन, आप भिखारी हो। अभी भिखारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेगर। अभी शब्द कहां से है बेगर? जब पिता के घर से अलग होते हैं तो बेघर हो गए, इसलिए आप क्या बन गए? बेगर, भीखमंगे बने हम। तो ऐसे भीखमंगे लोगों को जो जीवन में आकर, मनुष्य जीवन में आकर भी धन इकट्ठा नहीं करते, ऐसे लोगों को मृत्यु के समय देना पड़ता है। बाबा खाली हाथ मत जा, आपके कटोरी में हम कुछ डाल रहे, इसलिए लोग पीछे पीछे भागते होते मरे हुए आदमी के। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये भिखारी के लिए होता है, इस्कॉन में नहीं होता है, क्योंकि इस्कॉन में राम नाम सत्य नहीं। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे। और उस दिन नाचते लोग, गाते हैं, डांस करते हैं, तो लोग पागल होते हैं बाहर के लोग, हरे कृष्णा वाले पागल हो क्या? हमारा आदमी डांस करे, क्यों डांस करे? कुछ तो वजह होनी चाहिए, क्योंकि भक्त बुद्धिमान होता है, कृष्ण से ही बड़ा चतुर। क्या बुद्धिमत्ता है? क्यों नाचता है भक्त? क्योंकि हमारा बंदा एडवांस बुकिंग के लिए गया है, हमारा बुकिंग करने के लिए गया, इसलिए पार्टी हमारा कन्फर्म टिकट करने के लिए गया। उस दिन फीस्ट होती है, महाप्रभु नाचने लगे हरिदास ठाकुर का शरीर लेकर, बाजार में भीख मांगने लगे। क्यों फीस्ट? क्यों? क्योंकि इसको फीस्ट खिलाएंगे तो टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो इतना सुंदर भावना होती है भक्तों की, इसलिए ये धन जो इकट्ठा करेगा वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हाँ, सोचिए मेरे पिताजी करोड़ों करोड़ रुपए कमाकर मर गए, लेकिन जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो मेरे पिताजी जो करोड़ों करोड़ रुपए कमाकर मर गए, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? अब इसका मतलब क्या है? पिताजी भिखारी बन के चले गए, निधन बिना धन के चले गए, समझ गए? इतना गहरा मतलब है। इसलिए धन कमाना है तो ये हरिनाम का, गोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संग। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवत धाम जाने के लिए जितना भी आवश्यक है ये 16 शब्द में मैंने दिया है। आई हैव गिवन एवरीथिंग इन 16 वर्ड्स, जस्ट टेक शेल्टर ऑफ दिस 16 वर्ड्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जैसे आप यहां वहां मत भागो, ए बाबा ओ बाबा, ए मंत्र ए तंत्र मत भागो, हरे कृष्ण महामंत्र आपको जरूर भगवत धाम ले जाए। इसलिए प्रभुपाद की वार्निंग है, राधा कुंड जाकर अपना जीवन नरक कुंड मत बनाओ। भगवत धाम जाने के लिए मैंने 16 शब्द दिए परिपूर्ण, इसमें सब कुछ दिया है मैंने। जैसे दूध में सब कुछ होता है, दूध में क्या क्या होती है चीज कोई बता सकता है? दूध उबालना शुरू करेंगे ध्यान पूर्वक वर्तमान में रहकर, फिर से सेम टॉपिक, वर्तमान में रहकर हाँ हम उबालते रहेंगे तो क्या होगा? आधे घंटे के एक बांध घंटे के बाद मावा होगा, खावा बोलते हैं मावा बोलते। जय श्री राधा माधव भगवान की। तो मावा के कितने आइटम बना सकते, कितने स्वीट्स बना सकते, कोई लिस्ट है? मावा नहीं चाहिए, वो उबलते दूध में लींबू निचोड़ दो, क्या बनेगा? पनीर। पनीर के कितने आइटम बनते? पनीर तीखा, पनीर भुर्जी, पनीर मक्खन वाला, पनीर शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, तवा पनीर, बर्तन पनीर, जिसमें डालोगे वो पनीर है। कोई लिस्ट माताओं के पास पनीर की? पनीर नहीं चाहिए, छाछ बनाओ, दही बनाओ, दही के कितने सैलेड बनेंगे? है कि नहीं? सैलेड नहीं चाहिए, दही नहीं चाहिए, छाछ मंथन करो, क्या निकलेगा? मक्खन। मक्खन से घी बनाओ, घी के कितने आइटम बनते है माता है? कोई लिस्ट घी से बनने वाले आइटम की? लिस्ट आने की नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं दूध में क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वर्तमान में रहकर उसको उबालो।
वर्तमान में ध्यान नहीं दोगे तो जल जाएगा, कुछ प्रकट नहीं होगा उसे। श्रम ये वही केवलम, इसलिए ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान आपका है। ऐसे भगवान के नाम में क्या नहीं है, नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, भगवान आपके हो गए। जो ये चार चीज प्राप्त करेगा वो किसको प्राप्त करेगा, भगवान। और नाम प्रकट करेगा, ध्यान पूर्वक सही भावना से जप करोगे, नाम में ताकत है, वो रूप प्रकट कर सकता है, भगवान का गुण प्रकट कर सकता है, भगवान की लीला, और क्या चाहिए। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये वही केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व अतिरणिता। ठीक है, तो समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। थोड़ा डाइवर्ट हो गया हम विषय से, लेकिन कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जरूरी था कई बेसिक चीजें बताने। बेसिक क्यों, क्योंकि हमारे बेसिक में ही राड़ा है। क्या है ये, बंबई की भाषा है थोड़ी, बेसिक में राड़ा है। बेसिक हमारा क्लियर नहीं, इसलिए एक क्लियर करने के लिए कई चीज बताए। श्रवण का मतलब क्या है, हरिनाम क्या कर सकता है, हरिनाम में ताकत क्या है, कौन सा धन कमाना है, तब हम इसको गंभीरता से देखें। समझ गए, तो कान खुले रखकर हमें वर्तमान में रहकर सही भावना से भगवान के खुशी के लिए, अभी खुद के खुशी के लिए नहीं तो क्या होगी, खुद खुशी होगी। इसलिए खुद खुशी मत कीजिए, सत्संग में आकर जीना सीखिए। वर्तमान में जीने की कला ये भगवान की कथा सिखलाती है, भगवान का नाम। जीने की कौन सी कला, वर्तमान में, क्योंकि भगवान के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में जो भी कार्य करते हैं उसको समझना है, ये मेरी आखिरी सेवा है। क्योंकि आपको डराने के लिए नहीं, ये वास्तविकता है जीवन की। कोई भी सांस आखिरी हो सकती है, कोई भी कार्य आखिरी हो सकता है, कोई भी सेवा आखिरी हो सकती है, तो क्यों ना 100% मेरी शक्ति लगाऊं, क्योंकि भगवान ने सारी शक्ति एक नाम में लगाई है, नाम नामकारी बहुदान। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बारी है, हर कार्य में 100% शक्ति लगाए, तभी वर्तमान में रहेंगे, तभी भावना उजागर होगी। ये दोनों चीज चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो हर सेवा आखिरी समझ कर कीजिए। क्या गारंटी है कल आप आ पाओगे, क्या गारंटी है कल मैं प्रवचन दे पाऊंगा, बैठे बैठे हार्ट अटैक है कि नहीं, ब्रेन हेमरेज, तो अगले क्षण की गारंटी नहीं, अगले सांस की गारंटी नहीं। इसलिए भक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल है, जप करना बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि तीन चीजें करना है जीने के लिए, खाना है, काम करना है, सांस लेना है, ये तीन कार्यों में भगवान को जोड़ दो। माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध में जीत आपकी है। कौन सी तीन चीज बताइए प्रैक्टिकल के लिए, जीना है तो काम कर पैरे, जीना है तो खा पैरे, और जीना है तो सांस ले पैरे। इसलिए आचार्य कहते हर सांस के साथ भगवान का नाम तो वर्तमान में रहेंगे। अभी हर सांस के साथ क्यों, सांस का मतलब क्या है, जो शादी के बाद मिलती है वो सांस नहीं, जो ले रहे वो सांस, ये आखिरी सांस हो सकती है। क्यों, तो क्यों ना हम ये जो सांस ले रहे क्या समझ कर ले, ये मेरी आखिरी सांस हो सकती है, अगली सांस लेने के लिए मैं जिंदा रहूंगा नहीं, इसलिए पूरी शक्ति लगाइए, वर्तमान में रहकर सही भावना से भगवान को पुकारिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी खाते समय भगवान का नाम लीजिए, है कि नहीं, हर निवाला जो मुंह में जा रहा है किसकी कृपा से जा रहा है, अन्नाद भवंती भूतानी। इसलिए भक्त बनने के बाद हर निवाले पे भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम इतने गए गुजरे कलयुग के भक्त हैं, जब तक भगवान प्लेट सामने लाते तब तक हम बोलते नहीं। क्या बोलते हैं प्लेट सामने आने के बाद, कृष्ण बड़ा दयामय, कभी बोलते हैं। तो कंडीशन है, हेतु की भक्ति हमारी, शर्त डालते हैं प्लेट दिखाओ बाद में बोलेंगे कृष्ण बड़ा दयामय। इतने गए गुजरे भक्त हैं हम, तो ऐसे हेतु से कैसे भक्ति होगी हर निवाले पर। क्योंकि डॉक्टर का थोबड़ा देखना नहीं है, दवाखाना नहीं जाना है। दवाखाना का मतलब क्या है, दवाखाने का मतलब है दवा के खाना, भगवान को बिना भूल गए
उसको कहते हैं दबा खाना। दबा के खाने से क्या होगा, दबा खाना रखना जाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि जो भी भगवान को बिना भोग लगाए खाता वो बीमार पड़ेगा, वो रोगी है, क्योंकि वो अनाज नहीं पका रहा है। क्या पका रहा है? पाप पका रहा है। कौन सा श्लोक है? तीसरा अध्याय 13वां श्लोक, एक शिष्टो मुच्यन्ते सर्व किलबिष, 3.13। उसमें क्या कहते हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगा रहा है वो घर में अनाज नहीं पका रहा है, क्या पका रहा है, पाप पका रहा है और पाप खा रहा है। और 99.99 लोग भोग नहीं लगा रहे और बच्चों को वही पाप खिला रहे। इसलिए बच्चों को कलयुग में बोलना ही पड़ता है पापा, क्या बोलना पड़ता है, तेरे पाप के कारण पैदा हुआ और तुझे जीवन भर पाप ही खिला रहे, इसलिए तुझे पापा ही बोलूंगा, ओ मेरे पापा। बहुत गहरे मतलब है शब्दों में, इस पे ध्यान दीजिए, है कि नहीं? तो खाते समय भगवान का नाम लीजिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं अगर आपको बदमाशी नहीं होना है, बदमाशी नहीं होना है, पेट की बीमारी नहीं होना है, फूड पॉइजन नहीं होना है, तो चबा के खाओ। कितने बार, कितने बार कहते हैं? अरे 32 बार। क्यों? क्योंकि भगवान ने 32 ही दिए, हर एक को कुछ ना कुछ काम धंधा होगा चाहिए, तो झगड़ा होगा, तो 32 बार चबाओ। और वो डॉक्टर भक्त होगा तो कहेगा अभी 32 बार चबा रहे हो तो 2 मंत्र बोलो, क्योंकि हरे कृष्णा मंत्र में 16 होते, 2 मंत्र उसके साथ बोलो, तो यमराज का थोबड़ा देखना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर का थोबड़ा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का भोग लगाया प्रसाद सही भावना से आप अंदर ले रहे हो, वर्तमान में भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, है कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? सांस लेना है तो उसके साथ ले लो, खाना है तो उसके साथ बोलो भगवान का नाम, और हर कार्य में। कहां बताया? माम अनुस्मर युद्धच, है कि नहीं? तो हर कार्य में भगवान का नाम जुड़ने से क्या होगा, चेतना उजागर होगी, वर्तमान में रहेंगे। क्योंकि हमने कहा कार्य करने से पहले क्या करो, प्रश्न क्यों कर रहा हूं, और क्या प्रश्न था, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी। तो भगवान का नाम ले तो चेतना उजागर होगी, बुद्धि जागृत होगी। तो अभी देखते हैं अंत में हर कार्य में भगवान का नाम लेने से फायदा क्या है। एक एक लिस्ट बनाइए, एक एक चीज बताइए, बड़ी लिस्ट बनेगी, एक एक चीज बताइए क्या फायदा होगा हर कार्य में भगवान का नाम लेने से, क्या लाभ होगा, कोई एक शुरुआत कीजिए। यस, हाँ, कार्य सफल होगा, कार्य की परिपूर्णता है, क्योंकि कार्य कभी पूर्ण होता है जब भगवान का नाम उसमें जोड़ते हैं, तभी कार्य पूर्ण होता है। योगक्षेम वहाम्या अनुनिश्चिंतयन्तमा ये जना परिपासत, बहुत बढ़िया, अगला आगे बढ़िए। भगवान, भगवान से प्रेम बढ़ेगा, भगवान को संतुष्टि मिली, क्योंकि हमने बताया कलयुग में भगवान 56 भोग के लिए नहीं, क्या स्वीकार करने के लिए आते, जीवात्मा के मुख से 16 शब्द, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तीसरा इनर सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन। मेरा रिकॉर्ड था इस्कॉन में आने से पहले 10 साल में हर 6 महीने जॉब चेंज करता था, तो कितने जॉब किए होंगे मैंने, 20 जॉब। लेकिन मेरी माँ पूछती है बेटा पिछले 30 साल से एक ही कंपनी में विदाउट पेमेंट कैसे काम कर रहा है तू। जॉब सेटिस्फेक्शन, और क्या फायदा है, जीवन का अंतिम उद्देश्य अंत्य नारायण स्मृति, क्योंकि किसी कार्य में मृत्यु होने वाली है, तो हर कार्य में भगवान का नाम लेने से किसी भी कार्य में हम तैयार होंगे। जीवा को आदत पड़ेगी, कान को आदत पड़ेगी, मन को भगवान के चरणों में रहने की। नुकसान क्या है, नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही फायदा है, इसलिए निरंतर जप करना चाहिए, निरंतर से अंतर कम होगा। और कितना जप करना चाहिए, लोग पूछते हैं कितना जप करना चाहिए, तो हम कहते हैं इतना जप करके हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। बोलो कृष्ण भगवान की, समझ गए, ये कहावत नहीं है, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया गौर निताय ने, किसका उद्धार किया,
जगायमध्ये का अकाउंट क्लोज करना पड़ा. हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये तीन मिलकर एक रूप में आए थे. कितने जन्मों का पाप लेकर इनका अकाउंट क्लोज करना पड़ा. इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज को इनका खाता रद्द करना पड़ा. इसलिए निरंतर भगवान का नाम लेते रहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो. गोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की. तो कल शाम को ठीक 7 बजे शुरू होगा. प्रयास करेंगे हम इसको ठीक करने का, नहीं तो हमारा लोकल परमात्मा है उसके साथ. और बुधवार को नहीं होगा क्योंकि गुरुवार को क्या है, कीर्तन मेला है. तो गुरुवार को होगा आखिरी प्रवचन. और सुबह के सत्र में भगवान की लीला से, दशम स्कंध की लीला से हम साधकों को क्या सीखना है, तो टॉपिक चल रहा है दामोदर लीला से क्या सीखना है. तो कल यशोदा माई की महानता क्या है, आज हमने माखन चोर की विशेषता देखी, कल यशोदा माई की महानता क्या है, यशोदा माई से साधकों को क्या सीखना है. बहुत अच्छा टॉपिक है, जरूर आइए. हरे कृष्णा. ठीक 8 बजे सुबह, 8 से 9. तो जो नहीं आए आज सबको लेकर आइए. कल की, कल का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान. वर्तमान का मतलब क्या है. हरे कृष्ण. वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय.